अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में ख्वाब में खरगोश देखने, खरगोश पकड़ने, खरगोश का गोश्त खाने की क्या ताबीर होती है ये और इससे मुतालिक चंद ख्वाबों की ताबीर बयान करने जा रहा हूँ। पहला ख्वाब है ख्वाब में खरगोश पकड़ना। किसी ने ख्वाब में खरगोश पकड़ रखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का किसी अजनबी औरत से वास्ता पड़ेगा, किसी अजनबी ना आशना औरत से ही अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा, किसी अजनबी औरत के करीब जाना और उससे आशना होना, उससे ताल्लुकात बढ़ाना ये अच्छा ख्वाब नहीं है एक मोमिन के लिए, इसलिए इससे अल्लाह की पनाह चाहनी चाहिए। नंबर दो, खरगोश का गोश्त खाना ख्वाब में। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो खरगोश का गोश्त खा रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला दौलत इज्जत मर्तबा पाएगा और औरत के ज़रिए से इसको खूब माल हासिल होगा और वरासत में से भी इसको अच्छा खासा माल मिलेगा। नंबर तीन, खरगोश का मरा हुआ देखना। किसी ने देखा खरगोश मरा हुआ है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की औरत से जुदाईगी हो जाएगी, यानी अगर ये शादीशुदा है तो मुमकिन है शोहर बीवी में नाइतफाक़ी का कोई वाक़िया पेश आने की बिना पर इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएं और दोनों में जुदाईगी हो जाए। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो तो फिर उसकी ताबीर यही है। नंबर तीन, खरगोश के चमड़े की टोपी पहनना। किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने खरगोश के चमड़े की टोपी पहन रखी है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला इज्जत मर्तबा और मकाम पाएगा, लोगों की नज़र में महबूब और पसंदीदा होगा। तो दोस्तों ये हमने आप हजरात की खिदमत में खरगोश से मुतालिक चंद ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं, फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान कर दी जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।